सार सिमरजीत सिंह मान साढ़े नाल उम्र च बड़े वड्डे ने, साढ़े नाल उन्हां दा तजर्बा बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपनिया जिहड़ियां एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसिज भी दित्तियां ने। उन्होंने एक दिन बयान दिता सीगा कि इन्हां बच्चियां नूं उत्थे रूस के खिलाफ इन्हें उतों का लून खाधा है तो जंग लड़नी चाहिए है। इस तरह नहीं है, ये लोग उत्थे पेड गए ने, मतलब कोई खुराक के तौर पर नहीं गए, इन्हें बड़ी बड़ी भारी अमाउंट पे की है जी, उतों खाते भी ने। मैं हूँ इस रेस्टोरेंट के खाना खा लूँगा तो कल एक करजा लैके यदि नीलामी के आर्डर हो जाएंगे तो मैं लून वाला फर्ज थोड़ी निभाऊंगा ना रेस्टोरेंट लिए। सो यहोजे मंदभागे बयान एडे सीनियर बंदियां नूं देने नहीं चाहिए। और मैं वैसे तुहाड़ा सत्कार करदा मान साहब, इन्हां लोकां दे भी बच्चे ने, फिर इन्हां दे बच्चियां बारे फैसला लैण वाले तुसीं कौण हुंदे हो। सार सिमरजीत सिंह मान साढ़े नाल उम्र च बड़े वड्डे ने, साढ़े नाल उन्हां दा तजर्बा बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपनिया जिहड़ियां एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसिज भी दित्तियां ने, और उहदे नाल ओह पॉलिटिशियन भी बड़े वड्डे ने। उन्होंने एक दिन बयान दिता सीगा कि इन्हां बच्चियां नूं उत्थे रूस के खिलाफ इन्हें उतों का लून खाधा है तो जंग लड़नी चाहिए है। इस तरह नहीं है, ये लोग उत्थे पेड गए ने, मतलब कोई खुराक के तौर पर नहीं गए, इन्हें बड़ी बड़ी भारी अमाउंट पे की है जी, उतों खाते भी ने। मैं हूँ इस रेस्टोरेंट के खाना खा लूँगा तो कल एक करजा लैके यदि नीलामी के आर्डर हो जाएंगे तो मैं लून वाला फर्ज थोड़ी निभाऊंगा ना रेस्टोरेंट लिए। सो यहोजे मंदभागे बयान एडे सीनियर बंदियां नूं देने नहीं चाहिए। और मैनू खुशी हुई सी, एक पत्रकार ने बड़ा ठोकवा सवाल किया कि मान साहब तुसीं भी अपने बेटे दे नाल जे जाओ लोग डिमांड करते हैं, और उन्होंने गल कहा कि गल बड़ी चुभवी की है मेरे बच्चे के बारे तुसीं पुछया, तो फिर इन्हां लोगों के भी बच्चे ने ना यार। मैं वैसे तुहाडा सत्कार करदा मान साहब, इन्हां लोगों के भी बच्चे ने, फिर इन्हां दे बच्चियां बारे फैसला लैण वाले तुसीं कौण हुंदे हो। तो फिर तुहानूं तुसीं इह कहा कि जे वीज़ा ईजीली लग जांदा मैं जाण नूं तैयार हाँ जंग दे विच, असीं दोवें प्यो पुत्त, हुण तां यूक्रेन ने वीज़ा भी खोल दिता क्यों कहिंदा जंग लड़नी है तो आ जाओ। असीं अपने वल्लों उन्हां नूं एक मैसेज नूं मेल कल तक जरूर करांगे इन्हां बच्चियां लई, जे जीणा मरना इन्हां लोकां दे नाल ही है। जे कोविड दे विच वी कोई नहीं सी ना निकलदा, उदों दुनिया 6-6 फुट परे खलोंदी सी और करफ्यू लगे सीगे, ते मैं पहले दिन उत्थे वी परहेज नहीं सी कीता। जिंदगी इन्हां लोकां दे नाल है, मौत इन्हां लोकां दे नाल है। जिथे लोग फसे होण, मैं कल्ला इंडियंस की गल नहीं करता, किसी भी देश इंसानियत इक्को जी है ना यार, खून तो इक्को जी आई है ना, चाहे वो कोई अंग्रेज़ फसया हो, चाहे वो कोई मतलब नीगरो फसे होण, तुहानू अपना फर्ज जिहड़ा इंटरनेशनल लैवल दे उत्ते समझना चाहिए। सानू परमिशन मिलेगी तो मैं पूरी तनदेही ना कहना कि असीं जाण की कोशिश भी करांगे। मुझे लगता कि जिहड़े बयानबाजी कीती जा रही राजनीति हो रही है जी, इहदे उपर भी देखो मैं तुहानू पहला ही तुसीं मैनू सवाल किया कि मेरा यह मैटर और मेरा यह लैवल नहीं, मेरा यह सीगा कि जिस दिन मैनू जाण की इजाजत मिलती तो असी उस दिन तुहानू जरूर सारयां नू एक वारी राबता करके जांदे कि होर भी टीमां अपने सोशल मीडिया से पाउंदे कि यार इस तरह जाना है, तुसीं लोग भी अपलाई कर सकते हो। कोविड का राह भी सब तो पहला मैं कढ़िया सी, कोई नहीं सी आउंदा बिना परमिशन तो, मैं कहा सी लंगर वंडांगे जिन्हें परचा देना साढ़े ते दे देवे। मैं हुण वी कहिंदा कि बहुत दिल करदा, और इमानदारी नाल कह रहा दिल करदा, जाण नू दिल करदा, पर कोई सही शर्तों के उत्ते जंग लैण नाल नहीं, मतलब वलंटरली सर्विस जिहड़ियां असीं देना चाहुंदे आ। जे वो कोई मुल्क लैना चाहे तो सानू कोई जान झरज नहीं, इन्हां बच्चियां दे विच जा के रहना चाहुंदे, इन्हां बच्चियां दी मतलब जिहड़ा उत्थे दुख दूर करना चाहुंदे आ, कितें रोटी नहीं हैगी, कितें इन्ना डर दा माहौल है। सो इहो जिहा किसे भी पॉलिटिशियन नूं, मैं पहलां तुहानूं कहा कि मेरे लैवल दा मसला नहीं हैगा, पर फिर भी इहदे उत्ते राजनीति साडा तां लैवल ही कोई नहीं। रशिया ते यूक्रेन दी जंग लगी है तो उच्च मनदीप सिंह मन्ना की कर सकदा।